हे एवरीवन, आज इस बर्थडे पोस्टर को डिज़ाइन करेंगे पिक्सल लैब में, जो कि एक स्टेप बाय स्टेप ट्यूटोरियल होगा एंड PLP फाइल लॉक है, सो वॉच केयरफुली। ओके, चलो क्रिएट करते हैं। सबसे पहले आपको पिक्सल लैब ओपन कर लेना होगा। स्टैक्स को हाइड कर देते हैं। ओके, एंड आपको इस प्लस आइकन पे टच करके आप गैलरी से जिस इमेज पे बर्थडे पोस्टर डिज़ाइन करना चाहते हो इसको इम्पोर्ट कर लो इस तरह से। ओके, अब इसका साइज एडजस्ट कर लो इस तरह से। उसके बाद इस आइकन पे आप टच करो इस तरह से। उसके बाद आप यहाँ पे इसका कलर फिल्टर में जाना है। उसके बाद इसका कलर को सेचुरेशन को -100% कर देना इस तरह से, ब्लैक एंड वाइट हो जाएगा। ओके, उसके बाद आप इसको इसका बैकग्राउंड चेंज करना है इस डिज़ाइन का। उसके लिए आपको बैकग्राउंड कलर में जाना है। उसके बाद ग्रेडियंट कलर सेलेक्ट कर लेना। मैं पहले से इस कलर को चूज़ करके रखा था, इसलिए इसे सेलेक्ट कर लेता हूँ। आपको जो सही लगे आप उसे सेलेक्ट कर लो। ओके, उसके बाद यहाँ पे एक शेप क्रिएट करते हैं इस तरह से। यहाँ से एक शेप ले लेना है इस तरह से। उसके बाद इसको इस तरह से एडजस्ट कर लेना होगा। इसका कलर ग्रेडियंट सेलेक्ट कर लो। उसके बाद इस वाले कलर को रहने देना। उसके बाद इसको आपको रिड्यूस कर देना पूरा 100% इस तरह से। आप इसको रिड्यूस कर दो। उसके बाद इस कलर को आप इस थोड़ा सा ब्लैक टाइप सेलेक्ट कर लो इस तरह से। मैं ये वाला सेलेक्ट कर लेता हूँ इस तरह से। हो गया। आप यहाँ पर देखो एक सा एडजस्टमेंट इस तरह से एडजस्ट कर लो अपने हिसाब से। ओके, PLP फाइल का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ से आप डाउनलोड करके यूज़ कर सकते हो। बट वो लॉक है, आप चाहते हो उसे अनलॉक कर दो तो आप इस वीडियो को 100 लाइक कंप्लीट कर दो, मैं उसे अनलॉक कर दूँगा। उसके बाद आप उसे यूज़ कर सकते हो। ओके, आगे कंटिन्यू करते हैं। यहाँ पे एडजस्ट कर लेना है अपने हिसाब से। उसके बाद इसको एक इसका कॉपी ले लेते हैं फिर से यहाँ पे। कलर फिल्टर में जाके इसका सेचुरेशन को थोड़ा सा जैसे कि 20-20% या अपने हिसाब से एडजस्ट कर लो, इमेज के हिसाब से मैच करे। लेयर को लॉक कर दो। उसके बाद दूसरा इमेज वाले को उसका कलर में जाके इसको कलर कर दो। ये रेड हो गया, इसको वाइट सेलेक्ट कर लेते हैं ये वाला। ओके, इसको थोड़ा सा इधर इस तरह से एडजस्ट कर लेना होगा। मैं यहाँ पे इसको इस तरह से ले आता हूँ। प्रॉपर अच्छे से दिख नहीं रहा, उसको इरेज कर देते हैं। आप कलर में इरेजर टूल सेलेक्ट करके इसको इरेज कर दे इस तरह से एक्स्ट्रा पार्ट को। आप यहाँ पे देखो ये हट गया। यहाँ पे वाइट शैडो टाइप का एक अच्छा सा लुक देने के लिए वाइट शैडो है। उसके बाद फिर से शेप में जाना है। आप इसको कॉर्नर को राउंडेड कर दो, सर्कल शेप बना लेना इस तरह से। उसके बाद इसका कलर इमेज से पिक कर लो। मैं इस इमेज से कलर को पिक कर लेता हूँ। ओके, अब इसको आप डन कर दो। उसके बाद इसे बैक में इमेज के बैक में सेलेक्ट कर देना इस तरह से। उसके बाद आप इसे एडजस्ट कर लो अपने हिसाब से। मैं यहाँ पे एडजस्ट कर लेता हूँ। ओके, हो गया। अब यहाँ पे टेक्स्ट ऐड करना है। अब जो है टेक्स्ट ऐड करना चाहते हो वो सबसे पहले टेक्स्ट टूल में जाना है। उसके बाद आप यहाँ पे इसके ऊपर डबल टैप करो, टेक्स्ट एडिट कर सकते हो। अब मैं यहाँ पे हैप्पी बर्थडे टाइप कर लेता हूँ, इसको कैपिटल में कर लेना। ओके कर देना इस तरह से। हो गया, इसका साइज को छोटा कर लेते हैं। उसके बाद टेक्स्ट में जाके आप इसका फॉन्ट चेंज कर लो। मैं ये फॉन्ट सेलेक्ट कर लेता हूँ। अब इसका लिंक दे दूँगा, आप वहाँ से डाउनलोड करके यूज़ कर सकते हो। ओके, यहाँ पे एडजस्ट कर लेते हैं। अब इसको कॉपी कर लेते हैं इस टेक्स्ट को। अब नीचे ले आना है नीचे। अब फिर से आप इस पेन टूल सेलेक्ट करके एडिट कर लो अब टेक्स्ट को। मैं आप जो नाम ऐड करना चाहते हो नाम टाइप कर लो। मैं ये नाम टाइप कर लेता हूँ। आप इसको इमेज के बैक में ले जाना, इमेज के बैक में लेयर में ले जाना। बाकी लेयर को लॉक कर दो ताकि इधर उधर मूव ना हो। ओके,
इस तरह से ये हो गया। अब इस टेक्स्ट को फिर से कॉपी करके आप यहाँ पे ले आओ, और यहाँ पे आप जो बर्थडे डेट ऐड करना चाहते हो उसको ऐड कर लो। मैं यहाँ पे फटाफट टाइप कर लेता हूँ 18th नवंबर। ओके ओके कर देते हैं। इसको फिर से कॉपी करके यहाँ पे नीचे ले आना है इस तरह से। उसके बाद एडिट में जाके इसका आप कोड से ऐड करना चाहते हो आप ऐड कर लो। मैं ये वाला कॉपी करके रखा था, यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। ओके अब लेयर को लॉक कर दो इस तरह से। उसके बाद यहाँ पे एक बर्ड का पीएनजी डाल देते हैं ताकि एक अच्छा सा लुक आए। अब गैलरी से इस पीएनजी का लिंक दे दूंगा, वहाँ से आप डाउनलोड करके यूज़ कर सकते हो। यहाँ पे हो गया, आप देखो एक अच्छा सा लुक आ गया, ये का डिज़ाइन रेडी हो गया है। आप इसे एक्सपोर्ट कर लो, सेव कर लो गैलरी में। आप ये जो इमेज का साइज है ये आप देख लो, अल्ट्रा में सेलेक्ट करके इसको सेव कर लेते हैं गैलरी में इस तरह से। ये देखो आपका फाइनल लुक है। अगर ट्यूटोरियल अच्छा लगा तो कमेंट में बताओ नेक्स्ट ट्यूटोरियल क्या चाहिए वो बताएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।